प्रिय सदस्यगण, आज बक्सर जिला के विभिन्न स्कूल के बच्चे यहाँ सदन की कार्यवाही देखने आए हैं। उन्होंने अपने जिला में बहुत ही मनोयोग से बाल युवा सांसद में भाग लिया है। आपसे आग्रह है कि इसका ख्याल रखें, ये उचित नहीं है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में जो निर्णय हुई है वो आपको सुनाया गया है, आप अपने स्थान को ग्रहण करें। कोई भी विषय आपके प्रोसीडिंग के पार्ट नहीं बनेंगे, प्रेस मीडिया के पार्ट नहीं बनेंगे, आप अपने स्थान को जाएं। नहीं, सदन चलेगी और आपको जानकारी दे दें कि आज भी सरकार की सजगता के कारण 60% प्रश्नों का जवाब आया है। अल्पसूचित तारांकी रात भर लोग मेहनत करके प्रश्न का जवाब बनाते हैं, आप उस प्रश्न के जवाब को जनहित में, बिहार के जनता के हित में सुने, प्रश्न को उठाए, ये उचित नहीं है, ये कतई उचित नहीं है। एक सकारात्मक वातावरण बनाइए, आप अपने स्थान पर जाइए, नहीं ये उचित नहीं है। आप अपने स्थान, आपकी कोई बात नहीं सुन रहा है, आप पहले बैठ जाइए, तब कोई बात, बैठ जाइए। आप अपने स्थान पर जाकर बोलिए, कोई प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बनेगा। नहीं चाहते हैं कि सदन नहीं चले, कार्य स्थगन 12 बजे दिन में उसका समय तय है। आप लोगों को हमने मौका भी दिया, अब वो भी मैं स्थगित करता हूं, वो सदन में पाठ बनेगा, वो पाठ नहीं बनेगा, फिर बता देते हैं। और सदन को स्थगित आप लोग बाध मत करिए, राज्य से जुड़ा हुआ नहीं है और माननीय प्रधानमंत्री के बारे में नकारात्मक टिप्पणी की जा रही है, ये घोर निंदनीय है, ये एकदम गलत चीज हो रहा है, ये गलत परंपरा की शुरुआत हो रही है। सदन के इतने सारे विषय कार्यसूची में हैं, उसके बावजूद भी केंद्र से जुड़े हुए विषय पर नारा लगाना, बेल में आकर और प्रधानमंत्री के बारे में गलत टिप्पणी करना, ये कतई उचित नहीं है महोदय। माननीय सदस्यगण, आप अपने स्थान को बैठे और कोई भी बात जो इस सदन के सदस्य नहीं है, इस सदन का विषय नहीं है, यहाँ पर चर्चा नहीं होगी और न ही ये विषय यहाँ उठाने का अवसर मिलेगा। सदन आप चलने नहीं दे रहे हैं, ये आपकी उचित
परंपरा का कार्य निर्वहन में अवरोध पैदा कर रही है, उचित नहीं है। जो इस सदन का पाठ नहीं है उस पर चर्चा क्यों करना चाहते हैं? जो सदन के विषय पर कार्य मंत्रणा समिति में बैठक हो उस पर चर्चा करें।